हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शाहपुर थाना में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। एसएसपी ने कहा पुरानी रंजिश में हुई थी हत्या, शेष अभियुक्तों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। जिलाधिकारी व एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बैठक। डीएम ने कहा नकल करते हुए पकड़े जाने पर हो सकती है रासुका के तहत कार्रवाई। परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से की परीक्षार्थियों को दिए सफलता के टिप्स, कहा टाइम इज मनी। भूसा निर्मित भवन स्ट्रक्चर का डीएम ने किया अवलोकन, कहा बिल्डिंग काउंसलिंग से सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसे पीएम आवास योजना में किया जाएगा शामिल। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कल्याणपुर में रोहिन नदी पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य का किया शिलान्यास, कहा अंत्येष्टि स्थल पर बन जाने से लगभग 48 ग्राम सभा के लोगों को काफी होगी सुविधा। अपर नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार मंदुओं की बैठक, व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर हुई चर्चा। स्वर्गीय माया पांडे की स्मृति में आयोजित हुई स्वर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, स्वरों के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। समान कार्य एवं समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे एनएचएम कर्मियों के समर्थन में आया राज कर्मचारी संयुक्त परिषद, कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा समर्थन। एनी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव समारोह हुआ संपन्न, विद्यालय की छात्राओं द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का महिला कल्याण संगठन की सदस्यों ने किया अवलोकन। स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव में फुटबॉल मैच का हुआ आगाज, उद्घाटन मैच दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल महावीर छपरा ने 3-1 से जीता। और दो दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ आगाज, 19 विकास खंड के खिलाड़ियों ने दिखाया दम।